नमस्कार। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ढिबरी खोज लीजिए। ढिबरी नहीं जानते हैं? अरे भाई, सिरप वाली शीशी के ढक्कन में छेद करके उसमें जो बत्ती डाल के प्रकाश पुंज यंत्र बनाया जाता था पहले, वही ढिबरी। चलिए ढिबरी छोड़िए, लालटेन ही ढूंढ लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लालटनियाँ जलाएंगे कैसे? मिट्टी का तेल तो मिल ही नहीं रहा है। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, या फिर आप चार्जर वगैरह भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक और समस्या है, चार्जरवा चार्ज कैसे होगा? क्योंकि जब बिजली जाएगी तो आएगी नहीं, कब तक आएगी इसका कुछ अता पता नहीं है। मऊ, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, प्रयागराज, गाजीपुर, इन जिलों में भयंकर रूप से कटौती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट क्यों आने वाला है, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कान को काम पर लगाइए और सुन के बताइए कि ये महिलाएं क्या बोल रही हैं। इनके शरीर की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि मातम मना रही हैं, लेकिन मातम मनाते हुए क्या बोल रही हैं, ये खास बात है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है, देख लीजिए। विरोध करने का महिलाओं का अपना गजब तरीका है। अब ये एक छोटी सी क्लिप देखते रहिए, साथ में मुझे सुनते भी रहिए। आपको बता दें कि भारत के सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आ गया है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3% है इस बार। पहली तिमाही में यही ग्रोथ रेट 13.5% के आसपास था। उस वक्त गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग एकदम फूले नहीं समा रहे थे और खूब उमाचे बांध रहे थे। मगर इस बार जब ग्रोथ रेट काफी कम है तो कहीं इसकी कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही है। इस पर विस्तार से समझाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के आईटी सेल, गोदी मीडिया और तमाम नेताओं को बुरी तरह से लपेटा है और कई सवाल भी पूछे हैं। उनकी एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रेप पीड़िताओं के लिए निरंतर लड़ाई लड़ने वाली योगिता भयाना की। उन्होंने रेप के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए भारत की जनता से मदद मांगी है, यानी आपसे मदद मांगी है, और एक वीडियो जारी किया है। यदि इस वीडियो को कोई महिला देख रही है या फिर आप किसी भी रूप में किसी महिला से संबंधित हैं, जरूर होंगे, कम से कम माँ से तो होंगे ही, तो योगिता भयाना की बातें सुने बिना मत जाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। टीवी मीडिया तो अब पूरी तरह से गोदी मीडिया हो ही गया। एनडीटीवी के बिकने और रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब भारत के पास मीडिया के नाम पर यदि कुछ है तो वो है सोशल मीडिया। इसीलिए सोशल मीडिया पर काम कर रहे स्वतंत्र पत्रकारों को मजबूत करिए। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली बिजली संकट की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों की इस हड़ताल की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली संकट शुरू हो गया है। बिजली कटौती शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बारी बारी से एक एक जिले में यह संकट गहरा सकता है। वहीं चित्रकूट से एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद SDM ने शटडाउन लिया, जिसके बाद एक विद्युत कर्मी की मौत हो गई। होगी भी क्यों नहीं, इंजीनियर का काम डॉक्टर करेगा तो परिणाम तो उल्टा आना ही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की कई सारे मांगे हैं और कुछ विरोध भी है, जिनमें प्रमुख है निजीकरण। निजीकरण के खिलाफ पहले भी ये कर्मचारी विरोध कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, शायद इसीलिए निजीकरण का कार्यक्रम रोक दिया गया। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार फिर से निजीकरण लेके आएगी, और वही हो रहा है। मगर यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो अपने प्रकाश की व्यवस्था कर लीजिए, मोबाइल वगैरह चार्ज करके रख लीजिए।
अब इस खबर को ध्यान से देखिए। ब्राउन कलर के शर्ट पहने ये व्यक्ति बस ड्राइवर है। इसकी बस में एक महिला बैठी, पूरे बस में अकेली थी। इसने मौके का फायदा उठाते हुए बस को सुनसान स्थान पर ले जाकर महिला के साथ छेड़खानी की। फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है और सतर्क रहने वाली बात है कि महिलाएं यदि अकेले यात्रा कर रही हों तो बस में या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने से पहले देख लें कि आप अकेली तो नहीं। पंजाब में किसानों पर भयंकर लाठीचार्ज करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त गुजरात के चुनाव प्रचार में बिजी हैं। हो सकता है, ऐसा लग रहा है देश में किसान, नौजवान ये सब खाली लाठी खाने के लिए बचे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस छोटी सी वीडियो क्लिप को भी देखते जाइए और अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रसाद बांटा जा रहा है और ये लोग कौन से मंदिर के सामने बैठे हैं और ये प्रसाद किस भगवान का है। सबसे पहले आप योगिता भयाना की इस अपील को सुनिए और गौर करिए, क्योंकि देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि आम आदमी जागृत नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे आपके घर की महिलाओं के साथ भी कोई दुर्व्यवहार, कोई अत्याचार हो जाएगा और जब अपनी बारी आएगी तो आप भी चिल्लाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं योगिता भयाना। पिछले 7 नवंबर को हमारी उच्चतम न्यायालय ने ऐसे 3 दरिंदों को माफी दे दी जिन्होंने ना कि छावला की बेटी का गैंगरेप किया, बुरी तरह से उसको नोच नोच के खाया और उसे मार दिया और खुद कबूला कि उन्होंने ये किया है। और जो हमारा न्यायालय है, सेशन कोर्ट, उन्होंने उनको फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी। पुलिस के सामने ये सब, पुलिस की अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी, कुछ लूपहोल्स की वजह से हमारे उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया और बरी ऐसा किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो दरिंदे दिल्ली में घूम रहे हैं। उसके खिलाफ उस बच्ची के माता पिता और हम उच्चतम न्यायालय को फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि इसको रीओपन किया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए। हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें आप भी हमारा साथ दें। आप हमारा साथ क्यों दें? क्योंकि ये उस बच्ची के माँ बाप की बात नहीं है, उन्होंने तो जो खोना था खो दिया। वो दरिंदे आज हमारे बीच में है, इसलिए हमें अपनी बच्चियों को बचाने के लिए और आगे ये जो ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे दरिंदों का यही अंजाम हो, फांसी वही होना चाहिए, इसके लिए आपको आगे आना चाहिए और आपको भी आक्रोश दिखाना चाहिए। आप अपना आक्रोश कैसे दिखाएंगे? आपकी आवाज उच्चतम न्यायालय तक कैसे जाए? आप प्लीज अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छावला गैंगरेप केस में जो ये जो एक जजमेंट आया है इसके अगेंस्ट आप बात कीजिए। आप उस बच्ची के न्याय की बात कीजिए। जैसे भी आप अपनी बात लिखना चाहते हैं लिख के कीजिए, बोलना चाहते हैं वीडियो के जरिए करना चाहते हैं, जिस भी तरह से आप अपना रखना चाहते हैं आप रखिए और इस परिवार का साथ दीजिए, खुद की बच्चियों को बचाइए क्योंकि वो दरिंदे हमारे बीच में हैं। सुन लिया आपने। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का धमाकेदार तंज सुन के जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसके साथ ही यदि आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कल सेकेंड क्वार्टर का GDP ग्रोथ रेट आया। GDP की ग्रोथ 6.3% पे हुई है। पहली तिमाही में ये ग्रोथ रेट 13.5% की थी। खूब ढोल ताशे बजाए गए थे, खूब पीठ ठोकी गई थी, सीना ठोका गया था। अब बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा हो गया। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि कम GDP ग्रोथ का मतलब क्या है। कम GDP ग्रोथ के 3 ही मतलब है। उपभोग कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है और नौकरियां कम बन रही हैं, नौकरियां नष्ट हो रही हैं और वो बेरोजगारी में, कम आय में, गुर्बत में दिख रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बजाय समस्या का समाधान ढूंढने के, समस्या का निवारण करने के, सरकार के बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, नासमझ नेता और कुछ चरण चुंबक के खर्रा लेके दौड़ने लगे। उस खर्रे में क्या लिखा है? उस खर्रे में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो US से, चाइना से, UK से, फ्रांस से, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि 8.5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़े कर दिया। पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पाकिस्तान के आगे हमने कई कुलाचे भर लिए,
तो ये पाप तो मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का जवाब जरूर दीजिएगा, यूएस की जीडीपी का क्या साइज है? करीब 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की जीडीपी का साइज है 19 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की जीडीपी का साइज है 3 ट्रिलियन डॉलर। 3 ट्रिलियन डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर और 22 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर हम बहुत ज्यादा भी ग्रो करेंगे तो उतना ऐड नहीं कर पाएंगे जो यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमीज अपने जीडीपी में ऐड कर लेंगी, पहले तो यह समझ लीजिए। दूसरी, उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझनी जरूरी है, यूएस में प्रति व्यक्ति की आय पर कैपिटा इनकम करीब 70,000 डॉलर है, चाइना में 20,000 डॉलर है, यूके में 50,000 डॉलर है, फ्रांस में 52,000 डॉलर है, सऊदी अरेबिया में करीब 48,000 डॉलर है, इंडोनेशिया में भी करीब 13,000 डॉलर है, भारत का पर कैपिटा इनकम करीब करीब 7,220 डॉलर है। हमसे 10 गुना यूएस है, हमसे करीब 7 गुना यूके है, हमसे करीब 7 गुना सऊदी अरेबिया है और हमसे ऑलमोस्ट डबल तो इंडोनेशिया भी है। तो पर कैपिटा आय, पर व्यक्ति की आय से भी अगर आप कंपेयर करिए तो अभी हम बहुत पीछे हैं। तो जब कंपैरिजन करना है तो लाइक टू लाइक इकोनॉमीज पे करना चाहिए। असलियत तो यह है कि भारत के जीडीपी का बंटाधार और सत्यानाश तो आपने कोरोना का एक केस आने से पहले कर दिया था, याद है ना, जीडीपी की 8.2% ग्रोथ दर को कैसे आपने आधा कर दिया था 4.1% पर अपना नासमझ और तुगलकी फरमान डिमोनेटाइजेशन लगा के, और आज भी वही हो रहा है। आज पिछले 3 साल में इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में 1.8% है, 2% से कम एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में। उसके बारे में क्या कहिएगा, उसके बारे में कोई जवाब है? और वो आंकड़ा बाकी देशों के बारे में जरूर लगाकर देखिएगा। आपकी कृपा रही तो हम 40 साल में पहले रिसेशन में चले गए थे, 7.5% इकोनॉमी हमारी संकुचित हो गई थी 1 साल में, जो बाकी इस किसी देश की नहीं हुई। तो जब इकोनॉमी की समझ ना हो तो अननेसेसरी डिबेट में उलझना नहीं चाहिए, और भक्तगण जाके परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी का साइज, इकोनॉमी की स्पेलिंग थोड़ी सी पढ़ो, उसके बाद आकर बहस करना, क्योंकि आपकी विफलताओं के चलते इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रोथ घट रही है, निवेश हो नहीं रहा है और उपभोग भी चरमरा गया है।